नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई की लेडी डॉन, जानिए मुंबई की गॉड मदर कहलाने वाली इस डॉन की अनसुनी दास्तान। जी हाँ, मुंबई में हसीना पारकर को गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में निर्देशक अपूर्वा लाखिया की फिल्म हसीना पारकर रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के जीवन पर आधारित है। हसीना पारकर वो नाम है जो 1991 के बाद मुंबई में दहशत का दूसरा नाम बन गई थी। हसीना पारकर यानी दाऊद इब्राहिम की बहन और इब्राहिम इस्माइल पारकर की पत्नी, लेकिन हसीना इन दोनों के अलावा भी बहुत कुछ थी। हसीना को मुंबई की गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता था। ऐसे बनी गॉड मदर। अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग करने वाले हुसैन जैदी ने अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में हसीना पारकर को लेकर कई खुलासे किए हैं। दाऊद की बहन असल में दक्षिण मुंबई की रानी थी। कई इलाकों में उनका ऐसा दबदबा था कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। हसीना को गॉड मदर के नाम से बुलाया जाता था। पति की हत्या के बाद वो डॉन बन गई। हसीना का नाम नागपाड़ा की गॉड मदर 1991 के बाद पड़ा। इससे पहले हसीना का जुर्म किससे सीधे तौर पर कोई नाता नहीं था। फिर 1991 में उनके पति इब्राहिम पारकर की हत्या हुई। जुलाई 1991 में अरुण गवली ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद की बहनोई इब्राहिम को मार दिया था। इसी हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद ने जेजे हॉस्पिटल में ही शूट आउट करवाया था। इस हादसे के बाद हसीना ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। ऐसे पाया मनपसंद घर, उसके बारे में बात करेंगे। हसीना ने अपना नया आशियाना बनाया मुंबई के नागपाड़ा इलाके की गार्डन हॉल नामक बिल्डिंग में शिफ्ट हुई। कहा जाता है कि हसीना को यह घर इतना पसंद आया था कि उन्होंने सिर्फ घर का ताला तोड़कर उसमें रहना शुरू कर दिया था। इस मामले में किसी ने उनके खिलाफ कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की थी। विधवा होने के बाद छेड़ी थी गैंगवार उन्होंने। दाऊद के 10 भाई बहनों में हसीना का नंबर 7वां है। गार्डन हॉल इमारत के एक शानदार फ्लैट में रहने वाली हसीना ही दाऊद की बेनामी संपत्तियों की देखरेख करती थी। 3 बच्चों की मां हसीना के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अंडरवर्ल्ड में गैंगवार की शुरुआत हसीना के विधवा होने से ही मानी जाती है। अरुण गवली ने हसीना के पति की हत्या करवाई थी। इसके बाद दाऊद के बहनोई की मौत का बदला लेने के लिए गवली के शूटर की हत्या करवाई और इसके बाद दोनों गुट में आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों के लोग मारे गए। दहशत का दूसरा नाम बन गई थी हसीना। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हसीना कई गैरकानूनी कामों में शामिल थी। इसके साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए वो किसी गॉड मदर से कम नहीं थी। एक लोकल दुकानदार के हिसाब से हसीना आपा ने उसकी मदद की उसकी भागी हुई बहन को वापस लाने में। इस काम को करने के लिए हसीना ने खुद फ़ोन किया था। हसीना का नाम झोपड़पट्टियों के धंधे, फिल्मों के लेकर एक्सट्रॉशन और विदेशों में रिलीज के राइट्स को लेकर मोल भाव करना, हवाला, रैकेट, केबल ऑपरेटर्स का धंधा और फिरौती जैसे कामों के लिए मशहूर था। लेकिन उसके बावजूद आज तक हसीना के खिलाफ सिर्फ एक ही FIR दर्ज हुई है। दाऊद की बात भी नहीं मानी। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक हसीना अपने भाई की 54 बेनामी प्रॉपर्टी की देखरेख करती थी। नागपाड़ा में 6 होटल, पीर खान रोड में गुडलक लॉज आज शामिल है। सूत्रों की माने तो हसीना की नज़र स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी SRA के प्रोजेक्ट पर पड़ी। इसी मामले में हसीना के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज हुई थी। दाऊद अपनी बहन के इस बिजनेस से खुश नहीं था। दाऊद ने इसके लिए हसीना को मना भी किया था, लेकिन हसीना नहीं मानी। हसीना प्रॉपर्टी के मसले भी सुलझाने लगी। इसके लिए वो भारी कमीशन लेती थी। जनाजे में उमड़े थे हजारों लोग। हुसैन जैदी को दिए गए एक इंटरव्यू में हसीना ने कहा था कि उनका भाई दाऊद बुरा है, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना उसे बना दिया गया। हसीना के हिसाब से दाऊद के खिलाफ कई झूठे केस भी लगे थे। हसीना पारकर की शख्सियत ऐसी दबंग महिला की थी कि गैंग चलाने वाले लाखों लोगों की गॉड मदर थी। हसीना की 2014 में दिल के दौरा पड़ने से मौत हो गई थी और उनकी अंतिम यात्रा में 5,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। तो ये थी हसीना पारकर की स्टोरी, जो कि है दाऊद इब्राहिम की सिस्टर। तो ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों, जानकारी और न्यूज़ के लिए, हिस्ट्री के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।